धमाकेदार वीडियो लाए हैं। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। देख सकते हैं लॉस्ट लॉन्गिनेस टकर डमी को आज हम अनबॉक्सिंग कर लॉस्ट लूनर का आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ये मेरा लाइन है, तुम कभी नहीं है। मेरा लाइन है, मेरा लाइन है। जो क्या जो भी हो जो भी हो जो भी हो ठीक है ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। कौन करेगा अनबॉक्सिंग? तुम लोग इसको करने दो। हमारे दोस्त बहुत दिनों बाद हम वीडियो कर रहे हैं। जल्दी कीजिए, भेजिए आराम से आराम से। ओके अनबॉक्सिंग कर दिया। अनबॉक्सिंग वॉज कम्प्लीटेड। अमेजिंग अनबॉक्सिंग है। तो आप इसे आराम से देखिए। ये है इस ये है लॉस्ट लूनर का लेयर। आराम से देखिए लॉस्ट लूनर का लेयर। इसको अच्छी तरह देख लीजिए आप। तो अब मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। आप यहाँ पे इसके दो ब्लेड देख सकते हैं। यहाँ से जब लूनर हमला करता है अपने ओपोनेंट पे, तब वो बहुत ही जोर का लगता है ओपोनेंट को। यहाँ पे जो देख सकते हैं ना, यहाँ से जब वो अटैक करता है तो मतलब बहुत ही जोर से ओपोनेंट को लगता है। और इसकी पावर को और बढ़ा तब ओपोनेंट के लिए मुश्किल हो जाता है जब वो ये दोनों ड्रैगन्स की वजह से इस हमले को जब और ताकत मिलती है। लूनर एक ब्लड स्पिन ब्लेड है, इसलिए जब ये ड्रैगन इससे जब यहाँ से हमला होता है तो ओपोनेंट को बस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हिट हुआ तो समझ लो ओपोनेंट का खेल समझ ही गए होंगे। तो अब चलिए दूसरा पार्ट में चलते हैं। अब ये है इसका डिस्क, और डिस्क का नाम है यस सही का आपने। तो इस डिस्क में आप देख सकते हैं पूरे के पूरे 9 है, 9 ब्लेड्स है। 1 2 3 4 अरे गिनेगा कौन, आप लोग गिन लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे 9 ब्लेड्स है। और इन ब्लेड्स का काम क्या है? ये ब्लेड्स को जब भी आप लेफ्ट स्पिन में करते हैं, मतलब जिस तरह लेफ्ट स्पिन में घुमाते हैं, तब ये डाउन फोर्स तैयार करता है। मतलब एक डाउन फोर्स मतलब नीचे की तरफ फोर्स तैयार करता है, जिससे लूनर को नीचे रहने में बहुत आसानी होता है और बाकी ब्लेड्स को उसे ऊपर लेने मतलब रिंग आउट करने में क्या फिर रिंग आउट करने में हाँ बहुत मुश्किल होता है। तो इस डिस्क की बहुत ज़्यादा खासियत है। ये कमाल का डिस्क है। नाइन ब्लेड का बहुत ही कमाल का टिप है ये। अटैकिंग टाइप टिप है। और यहाँ पे देखो कितना कमाल का है, कितना कमाल का टिप है। यहाँ पे देखो देख सकते हैं आप लोग ये टिप का मतलब काम ही कितना कमाल का है। मैं बताता हूँ आपको ये टिप को जब आप लूनर पे लाकर लेफ्ट स्पिन होता है इस टिप में, तब ये लूनर को बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और वो कैसे मदद करता है? जब भी आप ये टिप को लॉन्च करते हैं लेफ्ट स्पिन में, तब वो स्टेडियम से एकदम चिपक जाता है। और चिपकने के बाद मतलब किसी के लिए भी लूनर को स्टेडियम से फिर निकालना मतलब रिंग आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब एकदम चिपक जाता है। और इस हमले को और कोई अगर उसे टक्कर मारने आता है, कोई डिफेंसिव बेबलेट क्या फिर कोई स्टेमिना टाइप हो क्या फिर अटैकिंग टाइप हो, जो भी टाइप का बेबलेट हो, वो ये टिप की मदद से लेफ्ट स्पिन जब भी वो करते हैं मतलब ये लेफ्ट में होकर राइट में, तब अपने ओपोनेंट को अटैक करके मतलब हटा देता है स्टेडियम से। मतलब आप कह सकते हैं लूनर का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक बेबलेट बना देता है लूनर को। ये तीनों को जब हम साथ में मिला देते हैं तो ये लूनर का बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बना देता है। और ये लॉस्ट लूनर नाम वाकई बहुत ही कमाल का है। बिल्कुल आप अगर इससे लड़ेंगे आपके खिलाफ अगर ये बेबलेट होगा तो वाकई लॉस्ट हो जाएंगे। तो चलो ये तो था इन्फॉर्मेशन। अब चलो इसे रियल में भी करके देखते हैं क्या इतना कितना रियल है। अब बैटल टाइम है, आप लोग समझ जाओगे। गाइस कम ऑन, अगर बैटल भी होता तो जरूर क्यों नहीं। ओके तो चलिए हम इसको लॉन्च करके देखते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कितने मजेदार तरीके से चल रहा है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया। और ये टिप जब चलता है मतलब इसे आवाज़ आप सुन सकते हैं, मतलब इसे बहुत ही कमाल की आवाज़ भी आती है। समझ गया है ना, इसकी आवाज़ सुनकर आप समझ गए होंगे। एक और बार कीजिए प्लीज। ओके 3 2 1 रेड रेड वो देख सकते हैं सुन सकते हैं आवाज़ का टिप का है ये आवाज़।
अपना मजा, बहुत ही अमेजिंग है ये, बहुत ही अमेजिंग आवाज है। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादातर वीडियो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो तब तक के लिए रेडी ड्रिप। अब मुझे दो जरा। हे तुम बेडर फ्रेंड्स, कितने कमजोर हो सारे के सारे खिलाड़ी। हाँ तुम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो दूर व्यू भी नहीं देते हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरा लुइनॉर्क इतना कमजोर है? हाँ तुम्हें क्या लगता है लुइनॉर्क को तुम जैसे लोगों की सब्सक्राइब की जरूरत है? हम वो एशिया चैंपियन थे, हैं और रहेंगे, चाहे आएगा कब आने आए क्या वो अल्टावे। आप लुइनॉर्क को मैं तुम पे छोड़ूंगा अगर मुझे मालूम चला कि तुमने इस चैनल को अल्टीमेट स्ट्राइक ब्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हाँ तो ये था लुई की आवाज, उम्मीद करता आपको पसंद है। तब तक लेट इट ड्रिप।